देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वो पार्किंग के साथ ही पास करता है, कमर्शियल जो भी एरिया है और एडिशनल पार्किंग चाहे वो नगर निगम की हो या एमडीडीए की हो, प्राइवेट पार्किंग। उन्होंने बताया कि जो मुख्य समस्या है वो ये है कि पार्किंग के अंदर पार्किंग हो रही है, नो पार्किंग के अंदर पार्किंग लगातार की जा रही है या जो है उसके अलावा कहीं भी लोग पार्क कर देते हैं। एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है जिससे अधिकतम लोग अपना वाहन पार्किंग के अंदर ही पार्क करें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। नहीं, पार्किंग्स जैसे एमडीडीए जो भी नक्शे पास करता है वो तो पार्किंग के साथ ही पास करता है, कमर्शियल जो भी एरिया है, प्लस जो एडिशनल पार्किंग्स हैं चाहे नगर निगम की हो गई, एमडीडीए की हो गई या प्राइवेट पार्किंग्स हैं, वो भी अभी चल रही हैं। लेकिन जो इशू मेनली है कि पार्किंग में पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए एमडीडीए भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और ट्रैफिक पुलिस भी अपनी तरफ से एनफोर्समेंट करने की कोशिश कर रही है जिससे मैक्सिमम लोग पार्किंग में पार्क करें।